प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभात वंदन। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 12 आयत कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। प्रशंसामय प्रवृत्ति करने में और प्रशंसा सुन के आनंदित होने वालों में से है मनुष्य। मनुष्य की प्रशंसा से ज्यादा परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा करना एक विश्वासी के जीवन में ज्यादा महत्व देने लायक होना चाहिए। पौलुस की पुस्तकों में परमेश्वर किसकी प्रशंसा करते हैं और क्यों प्रशंसा करते हैं बताया गया है। एफिसियों 1:6 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे से सेत मेत दिया है। 1:12 कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। 1:13 और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा किया हुआ विशुद्ध जन मनुष्य को प्रशंसा या उसकी स्तुति करने वालों में से नहीं होना है। परमेश्वर के द्वारा हम प्रशंसा किस विषय में प्राप्त करते हैं? रोमियो 2:29 जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों के ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। रोमियो 13:3 तू अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। दूसरा कुरिन्थियों 8:18 सुसमाचार सुनना और सुनाना प्रशंसा का कारण होते हैं। पहला कुरिन्थियों 4:5 वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मोतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। मनुष्य की बात या प्रवृत्ति ही नहीं उसके मन की चिंताएं भी सबके सामने आएगी। तब सबको परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा होगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा स्तुति और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने वाले बनने में और प्रशंसा प्राप्त करने लायक प्रवृत्ति करने में आप हमारी सहायता करना। प्रार्थना सुनाए इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।